सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल एंड आप लोग देख रहे हैं अल्टीमेट वर्ड्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बोबोबॉय का आखिर क्या हुआ। हाँ, एक ऐसा कार्टून जिसने 2016 या फिर कहूँ 2016 से 17 के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी इतनी गेन कर ली थी कि हर 10 में से 9 बच्चे के करीब करीब मतलब हर कोई बोबोबॉय को देखता था। एंड जब बोबोबॉय का सीज़न 1 आया तभी लोग इतने फ़ैन हो गए थे। एंड उसके बाद बोबोबॉय का सीज़न 2 आया, सीज़न 3 आया, साथ में बोबोबॉय का एक मूवी आया, बोबोबॉय द मूवी। तो आखिर बोबोबॉय का हुआ क्या, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ बोबोबॉय के ऊपर, लेकिन मैंने क्लिप्स अभी बेन 10 के यूज़ किए हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार कॉपीराइट क्लेम पड़ गया था मॉन्स्टा के तरफ से, तभी मैं समझ गया कि कलर एडिट कर देने के बाद भी बोबोबॉय के क्लिप्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे को क्लेम या फिर स्ट्राइक भी पड़ सकता है। तो मैं बेन 10 की क्लिप्स ही यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो क्या आपको पता है कि बोबोबॉय अब ऐसा दिखता है? नहीं। एंड क्या आपको पता है कि बोबोबॉय द मूवी के बाद बोबोबॉय गैलेक्सी करके एक बोबोबॉय की होल न्यू सीरीज आई थी? क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं। क्या आपको पता है बोबोबॉय की और एक मूवी आई थी जिसका नाम बोबोबॉय द मूवी 2 था? नहीं। क्या आपको पता है कि बोबोबॉय गैलेक्सी जो मैंने अभी बताया नई सीरीज है, उसका एक सीज़न 2 भी है जो अभी कॉमिक्स में कंटिन्यू हो रहा है? नहीं। तो देखो, इसका मेन रीज़न यही है। देखो, हम लोग जैसे बेन 10 की नई सीरीज को लाने के लिए स्पैम करते हैं, एंड मूवी लाने के लिए हम लोगों ने कितना स्पैम किया था, बट अभी भी इंडिया में नहीं आया है बेन 10 रिबूट की तीनों मूवीज़। तो यही सेम चीज़ बोबोबॉय के साथ हुई। जब बोबोबॉय का द मूवी आया, मतलब जो बोबोबॉय की पहली मूवी है, जब वो रिलीज़ हुई एंड हम लोगों ने सभी लोगों ने हंगामा चैनल पे देखा था, मुझे अभी भी याद है। तो देखो, मॉन्स्टा जो बोबोबॉय के क्रिएटर हैं, उन्हें भी यही चाहिए था, उन्हें भी देखना था कि बोबोबॉय का क्रेज़ कितना है इंडिया में। लेकिन जब हम लोगों ने बोबोबॉय द मूवी देख ली एंड उसके बाद जब नई सीरीज़ आया, आपको शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस टाइम यूट्यूब ये सब नहीं चलाया करता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कि बोबोबॉय की नई सीरीज़ आ रही है एंड हम लोग को इंडिया में लाने के लिए भी मॉन्स्टा को स्पैमिंग करना चाहिए। एंड आई थिंक मेरे को, जानते हो कैसे पता चला? एक दिन मैं बस ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ये कम से कम 2 साल पहले की बात है। हाँ, बोबोबॉय गैलेक्सी को आए बहुत दिन हो चुके हैं। तो उस टाइम जो है मेरे पास एक जियो फ़ोन हुआ करता था जिसमें मैं अपना यूट्यूब चलाया करता था। तो एक दिन मेरे सामने जो ब्राउज फीचर में हम लोग जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो हमारे सामने कुछ कुछ वीडियोज़ आ जाते हैं, तो उस टाइम मेरे पास एक वीडियो आया जिस पे लिखा था बोबोबॉय गैलेक्सी एपिसोड 1। एंड पहले तो मेरे को नहीं पता ये क्या था। जब मैंने इसे चलाया तो मैंने देखा कि ये बोबोबॉय की बिल्कुल न्यू सीरीज़ थी। एंड यहाँ पे बोबोबॉय पहले 12-13 साल का था, लेकिन इस सीरीज़ में वो 15-16 साल का था। एंड ये स्टोरी ठीक बोबोबॉय द मूवी के बाद की है, मतलब बोबोबॉय द मूवी के बाद जो सीरीज़ है वो 2 ईयर्स के लगभग का लीप ले लेती है। एंड मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बोबोबॉय गैलेक्सी नाम की बोबोबॉय की कोई न्यू सीरीज़ है, बोबोबॉय की और एक मूवी है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन लेजेंड्स, मेरे जैसे लेजेंड्स, आप लोगों को पता होगा, मेरे को पता है। एंड जानते हो सबसे बड़ा रीज़न कि बोबोबॉय की जो न्यू सीरीज़ है वो इंडिया में क्यों नहीं आई? इसका रीज़न हम खुद थे। पहला बात तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि बोबोबॉय की नई सीरीज़ आ रही है जिसका नाम बोबोबॉय गैलेक्सी है। एंड मेरे ख्याल से उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा यूट्यूबर भी नहीं था जो हमें बोबोबॉय की नई सीरीज़ के बारे में बताए। अब मुझे तो नहीं पता था कि किसी ने बताया था कि नहीं। तो हाँ, यही मेन रीज़न था कि पहला बात तो हमें पता ही नहीं था कि बोबोबॉय की कोई न्यू सीरीज़ आ रही है। एंड हम लोगों ने जो है बोबोबॉय की डिमांड बहुत डिक्रीज़ कर दी इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से मॉन्स्टा वालों ने इंडिया के अंदर कभी बोबोबॉय द गैलेक्सी नाम की कोई न्यू सीरीज़ ही रिलीज़ नहीं की। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आप लोगों को बताऊं कि बोबोबॉय को इंडिया में वापस कैसे ला सकते हैं, तो कमेंट में बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ में अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो मैं मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, बाय बाय।